बुलबुल आती होगी। आज हम बेल तोड़वा रहे हैं, ये टूटे बेल, यम्मी बेल, ने बेल तोड़वाए हैं। ये देखिए जरबेरा खिल रहा है, ब्यूटीफुल कलर जरबेरा। थोड़ी सी बॉल की सेटिंग करूंगी। संडा कितना खूबसूरत पूरा शबाब पे खिल रहा है अपना। शाम का टाइम है, संडा खाने लगेगी। अरे ये तो बहुत अच्छा मशरूम निकला है। आज हम बेल तोड़वा रहे हैं, बेल का पेड़ जो है इस साइड में है और इसके शाखाएं मस्जिद में भी है। देखो संभाल के तोड़ना, बेल में कांटे होते हैं। एक एक नीचे रखते जाओ नसीम, नीचे कहीं रखते जाओ, खेचो जोर से खेचो, कांटे हैं होंगे, घुमा घुमा के तोड़ो। नहीं टूटे है। हाँ हाँ कर लेंगे। ये सही है, इधर के तोड़ लो पहले, फिर डंडे से भी टूट सकते हैं। वो वाला आ जाएगा, पक्का हुआ है। वो दूर है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए, धूप बहुत तेज है। ये बेल का पेड़ जो है ये मस्जिद की तरफ, इसकी टहनियां आ गई हैं, आधा पेड़, और ये है पेड़ आया, ये इधर आया, इसकी जड़ ये है, इसकी जड़ ये है, वो ये है हमारी मस्जिद की दीवार, और ये उस पार आ गया है पूरा मस्जिद के अंदर। मस्जिद भी हमारे घर में ही है, ये आ गई अंदर मस्जिद। ये टूटे बेल, पक्के पक्के आज बेल सब तोड़वा रहे हैं हम। अरे हाँ हसिया बांधते इसके अंदर, हसिया भी तो है। हसिया बांधो, हाथ मत लगाओ, ये चादरी आगे बढ़ाओ, तार में मत लगा देना, तार में चादर आगे बढ़ाओ। चादर में एक भी नहीं आया क्योंकि कच्ची जमीन है इधर, अपने आप गिर गया। अब बात करो, ये है बेल, यम्मी बेल, पक गए बेल, ये दाग कैसा आ गया, पक दादा गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हमने बेल तोड़वाए हैं, ये देखिए पेड़ के अपने घर के बेल। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, बड़ी जबरदस्त धूप में बेल तोड़ा है, बहुत मेहनत से बेल टूटे हैं ये, और देखिए बड़ा कागजी, बहुत अच्छा मीठा बेल है ये, पसीना
बहुत आ रहा है मुंह में जा रहा है पसीना। और ये अम्मी टेस्टी बेल, इसका शरबत बनाएंगे बेल का। और बेल बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, खाना चाहिए, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद बेल है, हाजमा बहुत अच्छा करता है बेल, बढ़िया बेल है। चलते हैं बेल लेके, और बेल टूट गया आज, ये अम्मी बेल खाएंगे, इसका शरबत बनाएंगे गर्मियों में, ठंडा ठंडा शरबत, बड़ा मज़े का जायकेदार शरबत होता है। बेल दिखाओ ना, बढ़िया बेल, हाँ देखो कितने अच्छे घर के बेल। हमारी मुर्गी ने अंडा दे दिया, ये रखा है ना, खूबसूरत जरबेरा खिल रहा है, ब्यूटीफुल कलर जरबेरा, बहुत ही प्यारा। देखिए ये हमारा गमला है मिट्टी का, इसमें हमने जरबेरा प्लांट लगा रखा है, बहुत ही खूबसूरत खिल रहा है जरबेरा। और ये है मैरून कलर का जरबेरा, ये भी कलियां बन रही है, इसमें ये भी खिलेगा बहुत अच्छा, दोनों कलर बहुत अच्छे हैं, प्यारे कलर हैं जरबेरा। ये हैं बुलबुल के बच्चे, आज मैं वीडियो बना ले रही हूँ बुलबुल के बच्चों की, देखिए कितने खूबसूरत बुलबुल के बच्चे हैं। ये है तीन बच्चे, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तीन बच्चे बुलबुल के, बहुत प्यारे खूबसूरत बुलबुल के बच्चे। देखिए कितनी अच्छी कटोरी बनाई है बुलबुल ने, बहुत प्यारी बनाई है कटोरी, आंखें बंद है बुलबुल के बच्चों की। और इसी में फाख्ता का भी घोंसला है, नीचे फाख्ता बैठी हुई है, यहाँ पर उड़ गई अभी। ये है बुलबुल के बच्चों का घोंसला, बुलबुल आती होगी, चूचू चूचू बोल रहा। ये है फाख्ता का घोंसला, इसी में बुलबुल और फाख्ता के बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब करूँगी ये बैठे हुए, वरना परेशान हो जाएंगे बेचारे, उनकी माँ भी परेशान हो जाएंगी, सोचेंगी पता नहीं क्या कर रही है। थोड़ी सी बॉल की सेटिंग करूँगी, छोटी कैंची से, अपने हाथ वाली कैंची से, सेट रहे ताकि ये अच्छे लगते हैं, नोके ना निकले। अब इस वाले की भी कर दूंगी, अब मैं इसकी भी करूंगी, ये हो गई सेटिंग। ये देखिए ये हमारे फूल कितने खूबसूरत आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत सीजनल प्लांट है ये भी बहुत प्यारा आ रहा है, और कलियां बन रही है, गुल मेहंदी है ये, गुल मेहंदी के बहुत सारे शेड आते हैं, मैं तो कई बहुत सारे शेड लेके आई थी गुल मेहंदी के, सब मैंने लगा दी गर्मियों में ही आ दी गुल मेहंदी। अब मैं इसकी भी कटिंग करूंगी, हल्का सा थोड़ा सा इसको भी शेप दूंगी मैं, देखिए बढ़िया हो गया, इसकी बराबर में ये जरबेरा खिल रहा है, खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं इसको भी हल्का सा शेप में कर दूंगी, इसको भी थोड़ा सा शेप में आना चाहिए,
हो गया। ठीक है ये भी हो गया, मैं इसको भी कर दूंगी शेप में। थोड़ा तो बिल्कुल चौकूटा सा हो रहा है, ये बड़ी कैंची से होगा, कल को इसको बड़ी कैंची से करवाएंगे शेप में, माली से। मैं इसको भी शेप में थोड़ा सा करूंगी। ये भी हो गया, शेप में आ गया अभी, ये भी बढ़िया। मैं इसको भी थोड़ा शेप दे दूंगी, ये भी थोड़ा सा बेशेप होने वाला है। बढ़िया ये भी हो गया। संडा कितना खूबसूरत, पूरा शबाब पे खिल रहा है अपना, कितना खूबसूरत लग रहा है मुसंडा, बहुत ही खूबसूरत मुसंडा प्लांट हमारा ये मुसंडा फ्लावर्स, कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसी में चंपा भी खिल रही है, ये नीचे इसके फूल सारे और खिल रहे हैं। बहुत दिनों में गौरैया आई है, चिरोटा जिसे बोलते हैं, नर आया है, आवाज सुनाई दे रही है। ये तो गायब ही हो गए हैं बेचारे, दिखते ही नहीं है अब, ये बैठा है, एक बैठा दिख रहा है। अब ये आएंगे, घोंसले बनाएंगे हमारे यहाँ, बोल लाए, नस्ल ही ख़त्म हो गई इनकी, गौरैया की। पहले आती थी, बोलती थी, इतनी प्यारी लगती थी, चिड़िया चिरोटे गौरैया बोलते हैं इनको। बोल रही है गौरैया चिड़िया चिरोटा, चूसा घूम रहा है। ब्यूटीफुल हमारा शहंशाह पैलेस का गेट, शाम का टाइम है, ठंडा खाने लगेगी। ताजगी आ जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छा मशरूम निकला है, कितना प्यारा मशरूम निकला हमारे यहाँ, मशरूम है ये, बहुत प्यारा निकला है, जुड़ी हुई है। हाँ बहुत अच्छा मशरूम है ये।